उत्तराखंड के पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता प्रणव सिंह चैंपियन ने विवादित बयान दिया है। प्रणव सिंह ने अपने समर्थकों के साथ लंडोरा में अपने निवास राजमहल में जाना चाहते थे, लेकिन धारा 144 लागू होने की वजह से पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जाने नहीं दिया। इसके बाद प्रणव सिंह चैंपियन ने सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो बाकायदा रिवॉल्वर लहराते हुए सरकार को धमकी देते नजर आ रहे हैं। दरअसल दो समुदायों में विवाद हो गया था, जिसके बाद लंडोरा में प्रणव सिंह के राजमहल में आग लगा दी गई और उनके ताऊ को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से प्रणव सिंह चैंपियन बौखलाए हुए हैं। प्रणव सिंह चैंपियन कांग्रेस के बागी विधायक हैं और बीजेपी नेता हैं। जिस वक्त प्रणव खुलेआम सरकार को धमकी दे रहे थे, उस वक्त उनके साथ बीजेपी के दो विधायक स्वामी यतीश्वरानंद और आदेश चौहान भी वहां पर मौजूद थे। पिछले दिनों कुंवर सिंह चैंपियन के घर राजमहल पर दो समुदाय के बीच विवाद के बाद हमला हुआ था। उसके बाद पुलिस ने उनके ताऊ को गिरफ्तार कर लिया था। इस पर कुंवर सिंह ने मुख्यमंत्री को भी खरी खोटी सुनाई। सुमारमेन को जेल जाना पड़ा, जो आदमी सेंट जोसेफ का पड़ा हुआ राज परिवार का सदस्य हो, उसको जेल जाना पड़ा 85 साल की उम्र में। थूकता हूं मैं, धिक्कार है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, धिक्कार करता हूं। लोग आ रहे हैं और मेरे रोकने से नहीं रुक रहे। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से हिंदू आ रहे हैं, खाली गुजर नहीं आ रहे, हिंदू समाज आ रहा है। तो मुझे कह रहे हैं कि तू कायर है, तू कायर का शेर है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही। 5 दिन से काम छुपा हुआ, तुम दबा के छुए। अभी SSP के भी देख लो, जरा उसकी फोटो ले लो। SSP को तो भेजे मैंने, वो बड़े बड़े भेजे। और जो कार्यकर्ता है उनको रोक लीजिए, नहीं तो हम करेंगे। मैंने कहा नहीं तो, फिर चुप हो गया। मैंने कहा फिर हम भी कर सकते हैं। कुंवर सिंह चैंपियन को घर जाने से रोके जाने पर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। चैंपियन ने धमकी दी है कि उन्हें रोका गया तो सिविल वॉर जैसे हालात हो जाएंगे, उनके समर्थक पुलिस पर भी हमला करेंगे। फिर हम भी कर सकते हैं, मैं भी कार्य करता हूं, कहता हूं अपने अपने राइफल बंदूक और कट्टे देसी उठा के ले और पुलिस को गोली मारो, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो सिविल वॉर, नो प्रॉब्लम। एक सिविल वॉर कंडीशन हो जाए, मर्द पुलिस है, पुलिस तो नामर्द है, उत्तराखंड की पुलिस तो नामर्द है, यहाँ तो बड़ा आराम से हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी बात हो, करना होता तो पहली तारीख की रात को कर देता हूँ। मेरे कोई बड़ी बात नहीं, मुझे सिर्फ 100 फोन करने पड़ते आगरा से लेकर के नोएडा तक, नोएडा से लेकर सहारनपुर भी, नोएडा उसी में काम होता।